एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेड एक्ट इन कॉमर्स यानी कि कॉमर्स में आपके कौन कौन से एक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ इससे पहले हम कॉमर्स का एक सीरीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा था और दूसरी सीरीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट जो 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 आपके कंसेप्ट और अप्रोचेज़ रहते हैं वो हमने डिस्कस की है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बहुत जल्द अब आपको जूनियर ऑडिटर और जो ये जे ओ अकाउंट्स और अकाउंटेंट की वैकेंसियाँ हिमाचल में देखने को मिल जाएंगी और इस इसके लिए ये जो आपके एक्ट्स होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं क्योंकि यहाँ से आपको एक या दो नंबर का जो ज़रूर देखने को मिल जाएंगे तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है द कंपनीज एक्ट यानी कि जो कंपनीज का एक्ट है वो कौन सा है जो पुराना एक्ट है कंपनी वो है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स का और जो न्यू कंपनी एक्ट है वो है दो हज़ार तेरह का दो हज़ार तेरह और नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टनरशिप एक्ट यानी कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कौन सा है तो ये है नाइनटीन थर्टी टू का एक्ट है और नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉरप्रेटिव सोसाइटी एक्ट यानी कि द कॉरपोरेटिव जो सोसाइटी एक्ट है उसका है उन्नीस सौ बारह का ये एक्ट है और फोर्थ क्वेश्चन है एम आर टी पी एक्ट यानी कि एम आर जो टी पी एक्ट है ये है नाइनटीन सिक्सटी नाइन का जिसकी फुल फॉर्म होती है मोनोपोलिस्टिक ट्रेनो मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए एम आर टी पी नाइनटीन सिक्सटी नाइन का ये एक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियल एक्ट जो इंडस्ट्रियल एक्ट है ये है नाइनटीन फिफ्टी वन का नाइनटीन फिफ्टी वन का एक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल कॉमोडिटी एक्ट ये है आपके 1955 का एक एक्ट एक है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ़ेरा यानी कि फ़ेरा एक्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए जो फ़ेरा है ये है नाइनटीन का एक्ट इसकी जो फुल फॉर्म होती है फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज़ जो ये सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज़ है ये एक्ट है नाइनटीन एटी फाइव का नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ये जो वर्कमेन कंपनसेशन एक्ट है ये नाइनटीन ट्वेंटी थ्री का है और नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी जो एक्ट है ये है नाइनटीन सेवनटी टू का एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्प्लॉज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ये है नाइनटीन फोटी एट का एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है तो ये है नाइनटीन एटी सिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीएफ यानी कि इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एक्ट ये है नाइनटीन फिफ्टी टू का एक्ट और जो फोर्टीन क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कौन सा एक्ट है ये है एटीन सेवनटी टू का एक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये है एटीन एटी वन का एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये भी आपके एग्जाम के लिए नेक्स्ट जो है वो है इनकम टैक्स एक्ट ये है नाइनटीन सिक्सटी वन का एक्ट इनकम टैक्स एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी सेबी एक्ट कौन सा है यह है नाइनटीन नाइन्टी टू का इसका जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नाइनटीन नाइन्टी टू का ये एक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेटेंट्स एक्ट ये है नाइन्टीन सेवेंटी उन्नीस सौ सत्तर का इसमें यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है आप इसे पेटेंट एक्स की, कीजिए पेटेंट्स एक्ट है ये उन्नीस सौ सत्तर का नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉपीराइट एक्ट जब कॉपीराइट एक्ट है ये नाइनटीन फिफ्टी सेवन का एक्ट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन का है सी ए एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन स्टैंप एक्ट जो ये इंडियन स्टैंप एक्ट है ये एटीन नाइनटी नाइन का अठारह सौ निन्यानवे का नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थ टैक्स ये है नाइनटीन फिफ्टी सेवन का एक्ट नेक्स्ट है गिफ्ट टैक्स एक्ट ये है नाइनटीन फिफ्टी एट का उन्नीस सौ अट्ठावन का एक्ट गिफ्ट टैक्स और नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेटेंट एक्ट ये है उन्नीस सौ सत्तर का एक्ट और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ये है नाइनटीन सिक्सटी फाइव का एक्ट द पेमेंट ऑफ बोनस उन्नीस सौ पैंसठ का और नेक्स्ट है सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट ये है उन्नीस सौ तीस का एक्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेल्स ऑफ गुड एक्ट नाइनटीन थर्टी का नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर व्हीकल एक्ट ये है नाइनटीन थर्टी नाइन का एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट ये है नाइनटीन एटीज का यानी कि उन्नीस सौ अस्सी का ये एक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये है नाइनटी फिफ्टी सिक्स का एक्ट दन नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग के लिए कौन सा जो रेगुलेशन एक्ट चलता है वो है नाइनटीन फोर्टी नाइन का एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये है एटीन एटी वन का एक्ट एटी एटीन वन का अठारह सौ इक्यासी का एक्ट इनमें से जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ जिससे कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जैसे कि आपका एम जो एक्ट है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपका फेरा नाइनटीन सेवेंटी थ्री का एक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए रहेगा और वर्क कंपनसेशन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू का ये भी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके इनकम टैक्स एक्ट नाइनटी नाइनटीन सिक्सटी वन का एक्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेबी सेबी से भी, से भी, से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये है नाइन्टीन नाइनटी टू का और कॉपीराइट एक्ट कौन सा है और आपका जो ये वेल्थ टैक्स है और पेटेंट नाइन्टी सेवेंटी का एक्ट है सेल्स ऑफ गुड नाइन्टी थर्टी का है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए रहेंगे और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये ज़रूर देखने को मिलेगा जो आपके जैसे कि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है कॉमर्स रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ आपकी हेल्प ये जरूर करेगा तो आप इन एक्ट को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि ताकि आपको आने वाले एग्ज़ामों में आपको काफ़ी हेल्प मिले आपके एक या दो नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँ तो आज की वीडियो आपको ये कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे इस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम चैनल से जुड़ सकते हो और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए धन्यवाद